मूवी की स्टार्टिंग में हमें गौरव को दिखाया जाता है जो कि यूनिकॉर्न फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट कर रहा होता है और अपने फोन में सालू की फोटो देख रहा होता है कि तभी देव प्रकाश फैक्ट्री में आ जाता है और गौरव से बोलता है कि सालू ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुन करके गौरव का दिल एकदम टूट जाता है, पर फिर भी वो देव प्रकाश को इस खुशखबरी के लिए बधाई देता है और वापस से अपने कैबिन के अंदर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ देव प्रकाश फरीदी सर द्वारा मंगाए हुए डॉक्यूमेंट्स लेकर के अभी वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर रोबोट पे जा पड़ती है जो कि बिना किसी मैनुअल कंट्रोल के ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर देव प्रकाश उस रोबोट को एनालाइज करने उसके पास जाता है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो रोबोट देव प्रकाश की जान ले लेता है। और अब हमें इस घटना के 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां आज यूनिकॉर्न कंपनी के न्यू बोर्ड मेंबर का चयन होने वाला होता है। पर तभी बीच में फरीदी आकर कंपनी के सीईओ सत्यनारायण अधिकारी से यह पूछने लगता है कि आखिरकार देव प्रकाश की डेथ का जिम्मेदार वो कैसे हो गया और उसे कंपनी से क्यों निकाल दिया गया। इस पर सत्यनारायण सिक्योरिटी गार्ड से फरीदी को बाहर का रास्ता दिखाने को बोलता है और इसके बाद सत्यनारायण अपने बेटे निशांत अधिकारी को छोड़ करके जयंत को कंपनी का न्यू बोर्ड मेंबर बना देता है। और यही हमें ये भी पता चलता है कि जयंत कंपनी सीईओ की बेटी निक्की से प्यार भी करता है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद सभी जयंत को बधाई दे रहे होते हैं कि उन्हीं में से एक गौरव भी होता है जो कि अपनी वाइफ सालू के साथ वहां आया होता है। दरअसल देव प्रकाश के मारे जाने के बाद सालू की शादी गौरव से हो गई होती है और सालू जयंत की बहन भी होती है। ऑफिस सेरेमनी खत्म होने के बाद हमें गौरव को मोनिका के साथ दिखाया जाता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। पर यहीं पे मोनिका गौरव से यह बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर के जयंत एक पल के लिए बहुत घबरा जाता है क्योंकि अगर ये बात सत्यनारायण अधिकारी को पता चली तो वो उसे कंपनी से निकाल देंगे, क्योंकि सत्यनारायण को यह पता होता है कि जयंत का अफेयर उसकी बेटी निक्की से है। और बस इन्हीं सब बातों को सोचने समझने के बाद जयंत मोनिका से यह बोलता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बता सकती। इस पर मोनिका मान जाती है, पर बदले में वो जयंत से बच्चे की केयर टेकिंग का खर्चा उठाने को बोलती है, जिस पर फॉर टाइम बीइंग जयंत मान जाता है। और फिर अगले दिन जब जयंत अपने न्यू कैबिन में होता है कि तभी उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें उसकी और मोनिका की एक साथ फोटो होती है। ये देख करके जयंत एकदम घबरा जाता है और तभी उसे पार्सल के एंड में एक एड्रेस दिखाई पड़ता है जहां आज शाम उसे उस एड्रेस पे आने को बोला गया होता है। शाम होते ही जयंत उस दिए हुए एड्रेस पे जा पहुंचता है जहां वह यह देखता है कि वहां निशांत और अरविंद पहले से ही मौजूद है। उन्हें वहां एक साथ देख करके जयंत को कुछ समझ नहीं आता कि तभी निशांत जयंत से यह बताता है कि मोनिका उन्हें भी ब्लैकमेल कर रही है ये कह करके कि वो हमारे बच्चों की माँ बनने वाली है। ये सुन करके जयंत को एहसास होता है कि मोनिका अब तक उसके साथ कितना बड़ा गेम खेल रही थी, पर अब से वो मोनिका के चाल में ना फंसे इस वजह से वो मोनिका से बचने का आइडिया सोचने लगते हैं कि तभी निशांत उनसे यह बोलता है कि अब बस उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है मोनिका को इस दुनिया से रवाना करना। ये सुन करके अरविंद एकदम डर जाता है, पर जैन निशान की बात मान लेता है और उसके बाद वो तीनों यह डिसाइड करने लगते हैं कि किसे कौन सा काम करना है जिस पर जयंत को मारने का काम मिलता है। तो वहीं जयंत को बॉडी मुंबई से दूर ले जाने को और अरविंद को बॉडी डिस्पोज करने का। सबको अपना काम मिल जाने के बाद निशांत सभी से एग्रीमेंट पर अंगूठा लगाने को बोलता है ताकि कोई बीच में ये एग्रीमेंट तोड़कर भाग न सके। और इसके बाद सभी अपने मिले हुए काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुट जाते हैं जहां निशांत मोनिका को मार करके उसकी बॉडी ट्रक में रख देता है। तो वहीं जयंत मोनिका की बॉडी मुंबई से बाहर लेकर चला आता है, पर जब अरविंद को बॉडी डिस्पोज करने का काम मिलता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जयंत से उसकी हेल्प करने को बोलता है, जिस पर जयंत अरविंद की हालत देख करके मान जाता है। पर अभी वो बॉडी डिस्पोज कर ही रहे होते हैं कि उन्हें झाड़ियों के बीच में से लेपर्ड की आवाज सुनाई देती है जिस वजह से वो बॉडी को वैसे ही छोड़कर वहां से भाग आते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में जब जयंत और अरविंद इन्वेस्टर्स मीटिंग में होते हैं कि तभी उनकी नजर मोनिका पे जा पड़ती है जो कि जिंदा होती है। ये देख करके अरविंद और जयंत बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा होता कि कल रात वो जिस बॉडी को लेकर गए थे वो किसकी थी। और तभी न्यूज में यह खबर आने लगती है कि निशांत अधिकारी अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि शहर के बाहर उनकी बॉडी पाई गई है। ये सुनकर के पूरे ऑफिस में खलबली मच जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जयंत और अरविंद एक दूसरे से यह बातें करने लगते हैं कि अब उनका क्या होगा कि इतने पे ही अरविंद को मोनिका का कॉल आ जाता है जहां वो उससे यह बताती है कि एसीपी नायडू उसका ऑफिस में इंतजार कर रही है। ऑफिस में पहुंचने के बाद एसीपी नायडू जयंत को इस मर्डर में फ्रेम करने की कोशिश करती है ये कहते हुए कि निशांत के मारे जाने के बाद ये सारी कंपनी तुम्हारी होगी क्योंकि तुम इस कंपनी के मालिक के दामाद बनने वाले हो। ये सुनकर जयंत और भी ज्यादा डर जाता है, पर एसीपी नायडू उसे ये कहकर रिलैक्स फील करवाती है कि वो तो बस उससे मजाक कर रही थी। और फिर निशांत के सर्मनी राइट्स वाले दिन निक्की जैन से यह बताती है कि वो निशांत के गुजर जाने की वजह से बिल्कुल भी दुखी नहीं है, इनफैक्ट वो अंदर से और भी ज्यादा खुश है क्योंकि निशांत उसका अपना भाई नहीं है बल्कि वो पापा के दूसरी वाइफ का बेटा था। और फिर उसी दिन शाम में जब अरविंद अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ होता है कि इतने में ही उसके बच्चे उसके पास एक बड़ा सा पार्सल लेकर आते हैं
और उसे ओपन करने को बोलते हैं, क्योंकि हो ना हो उस पार्सल में चॉकलेट हो सकता है। पर पार्सल में चॉकलेट होने की बजाय एक कोबरा सांप होता है जिसके काटने की वजह से अरविंद की मौत हो जाती है। और वहीं रात में एक पार्सल वाला जैन के घर के बाहर भी एक पार्सल छोड़कर चला जाता है। और फिर जैन जब अपने घर आता है और घर के बाहर पड़ा पार्सल देखता है तो वो उसे लेकर घर के अंदर चला जाता है। पर इससे पहले वो उस पार्सल को ओपन करता उसकी बहन सालू का कॉल आ जाता है, जो कि उसे तुरंत टीवी ऑन करके न्यूज देखने को बोलती है। जिस पर जैन जब न्यूज चैनल ओपन करता है तो देखता है कि अरविंद की मौत एक कोबरा सांप के काटने की वजह से हुई है, जिसे किसी ने पार्सल में कोबरा सांप को बंद करके अरविंद के घर के बाहर छोड़ दिया था। ये देखकर जब जैन अपने हाथ में पड़े पार्सल को देखता है तो उसे भी अंदर से किसी चीज की आवाज सुनाई दे रही होती है। ये देखकर जयंत एकदम डर जाता है और उस पार्सल से पीछा छुड़वाने के लिए उसे अपने से दूर करने की कोशिश करता है कि इतने में ही गलती से उस पार्सल से सांप बाहर जाता है और जयंत का पैर फिसलने की वजह से वो उस सांप के पास गिर जाता है। पर जयंत किसी तरह करके उस सांप को शांत करने में सफल हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में जयंत सत्यनारायण अधिकारी से यह बोलता है कि वो उस पर भरोसा रखे क्योंकि इन सबकी मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस पर सत्यनारायण अधिकारी जयंत से यह बोलते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सत्यनारायण अधिकारी की कैबिन से जैन जैसे ही बाहर आता है कि इतने में ही उसके फोन पे एक मैसेज आता है जहां उसे टेरेस पे आने को बोला जाता है, क्योंकि टेरेस पे ही वो एग्रीमेंट पेपर्स रखे हुए हैं जिसमें जैन और अरविंद और निशांत ने साइन किया था। ये मैसेज पढ़ते ही जैन दौड़ा दौड़ा टेरेस पे जा पहुंचता है, पर इससे पहले वो उस एग्रीमेंट को अच्छे से देखता गौरव वहां आ जाता है और जैन को नीचे धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। और वहीं जयंत नीचे ना गिरते हुए बालकनी से टंग जाता है, जिसके बाद किसी तरह कोशिश करते हुए जयंत अपनी जान बचा लेता है। पर इससे पहले वो पेपर्स तक पहुंचे, वो पेपर्स एसीपी नायडू की गाड़ी के शीशे पे जा चिपकती है। ये देखकर जयंत एसीपी नायडू से किसी तरह करके नजर बचाते हुए उस पेपर्स तक पहुंचने में सफल हो जाता है और उससे अपना कपड़ा साफ करने लगता है। पर जब एसीपी नायडू जयंत को इस हालत में देखती है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार जयंत इतना हाफ क्यों रहा है। पर एसीपी नायडू इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए वहां से चली जाती हैं। एसीपी नायडू के वहां से जाते ही जयंत गौरव से मिल जाता है। जयंत को जिंदा देख करके गौरव को समझ नहीं आता कि आखिरकार जयंत बच कैसे गया। और वहीं इधर जयंत जब उस पेपर को देखता है तो पाता है कि वो कोई ओरिजिनल पेपर नहीं बल्कि एक फोटो कॉपी है। ये देखकर जयंत इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो सीधा मोनिका के घर जा पहुंचता है, जहां पहले तो उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। पर फिर थक हार करके जयंत मोनिका से यह पूछता है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रही है। इस पर मोनिका जयंत से यह बताती है कि उसे अरविंद और निशिकांत के मौत के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि जिस रात निशिकांत की मौत हुई उस रात निशिकांत ने मुझे मुंबई बुलाया था, जिस पर मैं मुंबई भी आई, पर निशिकांत वहां नहीं आया। इस वजह से मैं वहां से वापस चली आई। और तुम खुद ही बताओ, अगर मैं निशिकांत या अरविंद को मारूंगी तो फिर मुझे पैसा कौन देगा। मोनिका की ये बात सुनकर के जयंत थोड़ा कन्विंस हो जाता है और इसके बाद मोनिका जयंत को ड्रिंक ऑफर करती है। पर इससे पहले जयंत उस ड्रिंक को पीता उसे निक्की का कॉल आ जाता है। कॉल खत्म होने के बाद जब जयंत मोनिका के पास जाता है तो देखता है कि मोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर जयंत को समझ आ जाता है कि ड्रिंक्स में जहर है। मोनिका के इस दुनिया से चले जाने के बाद जयंत बिना किसी की नजरों में आए वहां से भागने लगता है कि इतने में ही एक बूढ़ी औरत जो देख नहीं सकती थी और उनका परफ्यूम का बिजनेस होता है, उन्हें जयंत के परफ्यूम से यह पता चल जाता है कि ये परफ्यूम कौन सी है। पर अब मोनिका के डेथ के बाद जयंत पर शक की सुई और गहराती जाती है, क्योंकि मोनिका पेट से थी और जयंत और मोनिका का अफेयर भी था। इस वजह से एसीपी नायडू जयंत का डीएनए सैंपल कलेक्ट करती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि मोनिका किसके बच्चे की मां बनने वाली थी, क्योंकि मोनिका के बच्चे का डीएनए अरविंद और निशिकांत से नहीं मिला था। ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ एक के बाद एक अनहोनी होने की वजह से सत्यनारायण जयंत से कुछ दिन छुट्टी लेने को बोलते हैं ताकि तब तक इधर सब कुछ नॉर्मल हो सके। और इसके बाद जैन सीधा फरीदी से मिलने जा पहुंचता है, जहां फरीदी उससे यह बताता है कि इन सब के पीछे तमंग का हाथ हो सकता है ताकि वो तुम्हें बोर्ड मेंबर्स की कुर्सी से हटा करके खुद तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनने के बाद जैन सीधा अपनी बहन के घर जा पहुंचता है और उससे बताता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि मुझे फंसाया जा सके और देव प्रकाश और बाकियों की मौत की जिम्मेदार मुझे बनाया जा सके। पर उन्हें शायद ये बात नहीं पता है कि मैंने वो रोबोट बनाई है, सो मैं खुद उस रोबोट को हैक करके ये पता लगा सकता हूँ कि देव को किसने मारा है। और इसके बाद जयंत गौरव को लेकर के फैक्ट्री जा पहुंचता है, जहां उसे यह पता चलता है कि जिस रात देव मारा गया उस रात गौरव ने मैन्युअली उस रोबोट को चलाया था। अपनी सच्चाई बाहर आ जाने के बाद गौरव जयंत को मारना स्टार्ट कर देता है और उससे बताता है कि उसने उस रात देव को इसलिए मारा क्योंकि देव ने सालू को उससे छीनकर उसका दिल तोड़ दिया था। पर उस रात वो फैक्ट्री में अकेला नहीं था बल्कि वहाँ निशिकांत भी था, जो उसे ये सब करते हुए देख लिया था। और फिर अब क्या था, निशिकांत मुझे पैसे देता था और मैं उसके लिए काम करता था। पर फिर एक दिन निशिकांत ने मुझे मोनिका को मारने को कहा, पर मैंने निशिकांत को मना कर दिया ये कह करके कि मैं सालू के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, जिस पर निशिकांत ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं मोनिका को नहीं
ही मारता हूँ तो वो सालू को सब कुछ बता देगा। और बस इसी बात पर मेरा सर घूम गया और मैंने निशिकांत को मार दिया। पर तभी मुझे तुम सबकी मोनिका को मारने की एग्रीमेंट हाथ लगी। इतना सब कुछ बताने के बाद अभी गौरव जयंत को मारता। इससे पहले जयंत रोबोट को अपनी वॉच से कंट्रोल करके गौरव को मार देता है। और फिर अगली सुबह जब ये खबर बाहर आती है तो एसीपी नायडू उस जगह इन्वेस्टिगेट करने जा पहुंचती हैं, जहां जयंत उनसे बताता है कि उसने गौरव को सेल्फ डिफेंस में मारा है। पर यहीं पे एसीपी नायडू जयंत से यह पूछती हैं कि वो मोनिका का डेथ वाले दिन कहां था, जिस पर जयंत उनसे बता रहा है कि वो तो बस अपने दोस्तों के साथ था। इस पर एसीपी नायडू जयंत को यह बताती हैं कि जिस रात मोनिका की डेथ हुई उस रात एक बूढ़ी आंटी ने उस किलर की परफ्यूम को पहचान लिया था, इस वजह से किलर को पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और फिर उसी रात जब जयंत अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रहा होता है कि तभी उसे यह खबर मिलती है कि तमंग भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इसी चीज पे सफाई देते हुए एसीपी नायडू सभी मीडिया वालों से यह बताती हैं कि मोनिका तमंग के बच्चे की माँ बनने वाली थी, जो तमंग को नहीं चाहिए था, और बस इसी वजह से उसने मोनिका की वाइन में स्नेक वेनम डाल दिया। पर कुछ दिन बीत जाने के बाद जब तमंग पे गिल्ट हावी होने लगी तब उसने खुद की भी जान ले ली। इतना कुछ हो जाने के बाद सभी सत्यनारायण के घर पर इकट्ठा होते हैं, जहां एसीपी नायडू भी आई होती है। एसीपी नायडू को वहां देख करके जयंत एसीपी नायडू से यह पूछता है कि आखिरकार मोनिका किसके बच्चे की मां बनने वाली थी, जिस पर एसीपी नायडू उसे यह बताती है कि वो सत्यनारायण अधिकारी के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सुनकर के जयंत पूरा हिल जाता है और इसके बाद एसीपी नायडू उसे पूरी सच्चाई बताती है, जहां मोनिका ने सत्यनारायण को भी ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से सत्यनारायण ने तमंग से कह करके उसकी वाइन में स्नेक वेनम डलवा दिया। और फिर इन सब के बाद तमंग सत्यनारायण से उसको बोर्ड का मेंबर बनाने के लिए दबाव डालने लगा, जिस पर मैंने और सत्यनारायण ने मिलकर के उसका किस्सा खत्म कर दिया। ये सब जानने के बाद जैन सीधा गौरव के गांव जा पहुंचता है ताकि वो उस एग्रीमेंट को हासिल कर सके, नहीं तो अगर वो एग्रीमेंट नायडू के हाथ लग गई तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। गौरव के घर पहुंचने के बाद जयंत एग्रीमेंट ढूंढना स्टार्ट कर देता है। एग्रीमेंट मिल जाने के बाद अभी वो उसे जला ही रहा होता है कि इतने में ही उसके दोनों तरफ दो सांप आ जाते हैं और ये मूवी इस शानदार क्लाइमेक्स के साथ खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी मोनिका ओ माई डार्लिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मोनिका ओ माई डार्लिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सब के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।